हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार फालसे की पॉपसिकल्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी मेक श्योर sure कि आप रेसिपी को पूरा वॉच करो तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो कि ये फ़ालसे की जो कुल्फ़ी है ये मैंने कैसे बनाई है तो यहाँ सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं डेढ़ कप के जितने मैंने फालसे लिए हैं एक चाय का चम्मच काला नमक आधा चाय का चम्मच रेगुलर नमक एक चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा कप चीनी इसके साथ हमें एक कप पानी भी चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ ब्लेंडर में मैं शामिल कर दूँगी डेढ़ कप के जितने फाल से बहुत अच्छे से आपने इसको साफ़ कर लेने हैं धो लेने हैं पानी से आधा कप चीनी शामिल कर देंगे इसके साथ इसमें चला जाएगी एक चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच रेगुलर जो नमक है वो शामिल कर देंगे इसके साथ इसमें चला जाएगा एक कप के जितना पानी और अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे फ्रेंड्स फालसे जो हैं वो खट्टे मीठे होते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें मैंने शामिल किया है एक चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा तो फ्रेंड्स फ़ालसे का शरबत भी जो है मैंने अपने चैनल पे उसकी रेसिपी डाली हुई है अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो लाजमी देखे कि किस तरह से मैंने फ़ालसे का जो है वो शरबत तैयार किया है तो यहाँ देख सकते हैं फ़ालसे का जो है मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अब यहाँ स्टेनर की मदद से इसको जो है वो अच्छे से स्टेन कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये जो कुल्फ़ी है ये जो पॉपसिकल्स हैं ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएंगे गर्मियों का सीज़न है तो आप इसको जो है वो लाजमी ट्राई करें बच्चों को लाजमी बना के दें ये रेसिपी बच्चों के लिए बेस्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो है इसको अच्छे से स्टेन कर लें तो यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा ये स्टेन हो चुका है अब इसको एक साइड पे रख देंगे और इस तरह के इस बर्तन में डाल देंगे इस शरबत को ताकि ईजीली जो है वो हम अपने पॉप्सिकल कप्स में इसको डाल सकें तो इसको डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता से तो फ्रेंड्स रेसिपी जरा से भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंच सके तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो ऊपर बटर पेपर लगा रही हूँ और इसको जो है उसकी स्टिक्स को इस तरह से लगा के और अब इसको आठ से दस घंटे के लिए या फिर इसको ओवरनाइट के लिए हम फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे तो यहाँ तकरीबन मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ होने के लिए रखा था तो यहाँ मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है अब इसको डीमोल्ड करना है तो इसको जो है वो इसका बटर पेपर पहले रिमूव कर लेंगे और अब इसको तकरीबन दस से पंद्रह सेकंड के लिए इस तरह से पानी में रखेंगे आप वैसे भी इसको बाहर छोड़ सकते हो ये तकरीबन तीस से चालीस सेकेंड में अच्छे से डीमोल्ड हो जाएंगी तो यहाँ तकरीबन दस से पंद्रह सेकंड के बाद यहाँ देखें निकलना शुरू हो गई हैं पॉपसिकल्स तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर ये देख सकते हैं आप आया है तो मैं इसके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ ये रही हमारी पॉपसिकल्स ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी वीडियो आप बच्चों को जो है वो घर पे ही ये पॉपसिकल्स जो है वो बना के दें बाहर से आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं तो फ्रेंड्स फ़ालसे की ये खट्टी मीठी पॉप्सिकल्स ये जो कुल्फ़ी है आपको बहुत पसंद आएगी बच्चों को ये लाजमी बना के दें घर में ही आप जो है पार्टीज़ में बच्चों को बना के दें ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय